नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पति का वशीकरण कैसे किया जाता है। वर्टिकल बार फोटो से वशीकरण करने वाला टोटका। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पति को अपना कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा उपाय के बारे में बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल लगभग हर एक औरत करना चाहती है जिनका पति उनसे हमेशा किसी न किसी बात पर नाराज हो जाते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों की शादीशुदा जीवन में हमेशा कठिनाई बनी रहती है क्योंकि उन औरतों का पति उनसे धोखा करने लगते हैं और अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री के करीब हो जाते हैं या पत्नी के व्यवहार से वह परेशान होकर उसे दूर होने लगते हैं, जिसे कि उनके पवित्र रिश्ते में दरार आने लगती है। पति को अपना कैसे बनाए, जानिए साथी के दिल जीतने के कुछ अचूक उपाय। किसी और से उनकी तुलना ना कीजिए। किसी भी पति को नहीं पसंद कि उनकी पत्नी किसी और पुरुष से उनकी तुलना करे। उन्हें ये कतई भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी बीवी किसी और मर्द की प्रशंसा करे। आपके ऐसा करने से उनके पति स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, जिससे आपके बीच की खाई और चौरी हो जाएगी, जिसे कि पति आपसे नाराज हो जाएंगे। बिना किसी कारण के रोक टोक ना करें। ये बात किसी भी पति को पसंद नहीं आता है कि उसकी पत्नी उसे हर बात को टोके और उसे कहीं आने जाने पर पाबंदियां लगाए। अगर आप चाहती है कि आपके पति आपकी बात को माने और आपसे बेसुमार प्यार करे तो आप उन्हें खुली आजादी दीजिए, जिसे वह अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। पुरानी गलती की याद बार बार ना दिलाए। अगर आपके पति की पहली गलती के बाद आपने उन्हें माफ कर दिया है तो आप एक समझदार पत्नी हैं। लेकिन अगर आप उन्हें भविष्य में बार बार उनके की गई उस पुरानी गलती पर भाषण देती रहती हैं, तो फिर सोचना छोड़ दीजिए कि अपने पति को काबू में कैसे रखें। क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अगर आप ऐसी करती है तो आपकी पति के दिल में आपके प्रति प्यार कम हो जाएगा और वह आपके हाथ से निकल सकते हैं। अपन प्यार को जताए। अगर आप अपने पति से प्यार करती है तो उन्हें आप अपने प्यार की इजहार करें और उन्हें स्पेशल फील कराएं, जिसे वह महसूस करे कि वह एक खुशनसीब पति है। लौंग पर 21 बार फूंक मारकर पति को वश में करें। अगर चाहती है कि आपके पति हमेशा आपकी बात को माने और आपके वश में रहे तो आपको सोमवार के दिन 7 लौंग ले और उस अपनी दाहिनी हथेली में रखकर मुट्ठी बंद कर ले। फिर आप ओम क्ली पटियह पथयु वश्य वश्यं कुरु क्रू स्वाहा का जाप 101 बार करें। फिर आप अपने पति का ध्यान रखकर लौंग वाली मुट्ठी पर 21 बार फूंक मारे। फिर आप उस लौंग को किसी तरह से अपने पति को खिला दे या चाय में मिलाकर पिला दे। आप देखेगी कि आपके पति हमेशा के लिए आपकी वश में हो गएगे और आपको बोलोगी वही करेंगे। सफेद रुमाल से पति को वश में करने का उपाय। क्या आप अपने पति को वश में करना चाहती हैं? क्या आपकी पति आपकी कोई बात नहीं मानते हैं या वह आपसे दूर दूर रहते हैं? तो आप सफेद रुमाल से पति को वश में कर सकती हैं। सबसे पहले आप एक नई सफेद रुमाल ले और उस रुमाल में 11 बड़ी इलायची और 7 काली मिर्च लेकर बांध ले। उसके बाद आप उस रुमाल को अपने बेडरूम में 7 दिन रखे। 7वें दिन आप उस इलायची और काली मिर्च को कपूर में रखकर जला दे। उसके बाद उस राख को घर में फैला दे और रुमाल को अपने पति के कपड़े में बिना धोए रख दे। जब भी आपके पति उस रुमाल को हाथ लगाएंगे वह आपके वश में हो जाएंगे। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकती है। चोटी के बाल से पति को वश में करे। जिन औरतों के पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर रहते हैं या आपकी कोई बात नहीं मानते हैं और ना ही सुनते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे पति की चोटी के कुछ बाल काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपके पति की नजर न पड़े। ऐसा करने से आपके पति का वशीकरण हो जाएगा और वह आपकी बात मानने लगेंगे।
कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर फेंक दें। यह उपाय अगर आप शुक्ल पक्ष में करें तो ज्यादा कारगर और जल्दी काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।